हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड फ्रेंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 8 अगस्त के लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या रहने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड, अभी भी बैंक निफ्टी फिफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बाकी है, जान बाकी है। तो बीयर्स को यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना, संभल के ट्रेड करना है। नहीं, अगर आप नहीं संभलोगे, अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे, आपने सुना भी होगा सावधानी घटी दुर्घटना घट जाएगी आपके, तो आपको सावधानी बरतना है। ठीक है, वो सावधानी कैसे बरतनी है, लेवल टू लेवल बरतनी है, अदरवाइज आप डेफिनेटली लॉस खा जाओगे। तो जो भी बियर्स हैं आप में, कई लोग ऐसे होंगे जो बस हमेशा ये सोचते हैं मैं नीचे का ट्रेड बनाऊंगा, अगर मार्केट टूटेगा तभी बनाऊंगा, तो उन लोगों के लिए लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अगर आप नहीं समझोगे, नहीं समझोगे चीज़ों को, तो डेफिनेटली लॉस खाओगे। तो किन लेवलों को ध्यान में रखना है और कहाँ पर आपको बियर्स का ट्रेड मिल सकता है, कहाँ पर आपको बुलिश का ट्रेड मिल सकता है, उन सब चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, मतलब कि होमवर्क करके जाना है। नेक्स्ट डे जब आप मार्केट में बैठो तो आपको पता होना चाहिए लेवल इंपॉर्टेंट है। इन लेवलों के मार्केट नीचे ऊपर जाएगा तो मार्केट आपको उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उन लेवल को क्या ध्यान रखना है मैं सब बताऊंगा। तो एक बार चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, ताकि आप नेक्स्ट डे जब मार्केट में उतरो तो आपके पास कुछ चीज़ें हों ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सो एक दिन के चार्ट पे चलते पहले, तो आज का ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा, मार्केट का गैप अप खुला और हाई जो लगा 19620। अभी इस 620 के ऊपर बात कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हाई था, 19620 के ऊपर बात कर लेंगे। और जो मार्केट का लो रहा 19524 का लो रहा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अब होने वाली है आरबीआई की एक मीटिंग, आरबीआई की होने वाली एक मीटिंग। ठीक है, ये होने वाली है अगस्त, ये होगी आपकी एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, 10 के आसपास मान के चलो। ठीक है, तो ये होगी एक्सपायरी वाले दिन। तो अब देखो, रेट हाइक हो या ना हो, पर मार्केट को कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी से चाल चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन लगता है मार्केट को कि कुछ होने वाला है, तो इन सब चीज़ों का इंपैक्ट होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जो है आरबीआई की मीटिंग, एक बार निकल जाने देना, कोई लंबी पोजीशन, कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लेके ट्रेड कर जाना कि लॉस हो जाए, कुछ हो जाए आपके साथ। तो ये मीटिंग को सिनेरियो देख लो, क्या आउटकम निकल के आ रहे हैं इससे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड बनाने हैं। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान रखने में बता दिया है, अपडेट आपके लिए काफ़ी अच्छा, तो इसको आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। अब मैंने आपको एक चीज़ आई थी, देखो मार्केट में ये फॉल आया बड़ा। ठीक है, मार्केट ने ये रेंज, मैंने बोला था ये रेंज टूटेगा, ये आप मान के चलो इन्वर्टेड फ्लैग है, अगर ये रेंज टूटेगी तो मार्केट में बड़ा फॉल आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये बड़ा फॉल आया और मार्केट ने सपोर्ट कहाँ दिया, मैंने कंटिन्यूसली बोला था, आप मेरे पीछे वीडियो भी देख सकते हो, 19300 मैंने बोला था आपको, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19300 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट यहीं लेके सपोर्ट लेके जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट 19300 आया और यहीं सपोर्ट लेके चला गया था। ठीक है, तो मार्केट को ये सपोर्ट तोड़ने के लिए बड़ी न्यूज़ लगेगी, मतलब कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिल जाए तो ही मार्केट 19300 तोड़ जाएगा, तो फिर मार्केट आपको फॉल होता हुआ 19000 तक आ जाएगा आराम से। ठीक है, पर मार्केट को ये तोड़ने के लिए बड़ी न्यूज़ या बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही चाहिए, तभी ये मार्केट में ये टूटने वाला है, अदरवाइज ऐसे ये टूटेगा नहीं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब मार्केट एक नई रेंज बना रहे हैं, अब वो नई रेंज क्या बनेगी, अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक नई रेंज बना सकता है अपनी, ये मान के चलो 19700 मान के चल लो और 19300 तो है नीचे। ठीक है, ये रेंज बना सकता है मार्केट अब एक दो दिन के अंदर। ठीक है, तो मार्केट अब अगर ये रेंज बना लेता है, इस बीच में ये रेंज बना लेता है, यहाँ कहीं ये रेंज बन जाती है, तो क्या होगा, फिर से ये रेंज टूटेगी। ठीक है, अगर ये रेंज ऊपर टूटेगी तो आपको ऊपर के मूव बड़े मिलेंगे, अगर ये नीचे टूट गई, अगर 19300 नीचे टूट गया तो नीचे बड़ा मूव फॉलो तो मिल जाएगा, तो डिपेंड करने वाला वो रेंज किस डायरेक्शन में टूटने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये कि आपको जब मार्केट रेंज बना लेना, तो उस रेंज में आपको क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आज क्या हुआ मार्केट में, देखो यहाँ 5 मिनट में देखो कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद दोनों से ट्रेड दे रहा था। ठीक है, दोनों से ट्रेड दे रहा था, मैंने आपको एक चीज़ बोली भी थी कि आपको अगर अपसाइड प्ले करना है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, अगर आपने देखा होगा ना, उसमें मैंने 15 मिनट में आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मैंने उसमें दिखाया था। तो अगर आप जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, तो शॉर्ट देखा होगा, तो डेफिनेटली उसने समझा भी होगा मैंने क्यों वो डाला था, और उसी के हिसाब से मार्केट ने डायरेक्शन भी दिया है। तो मैंने एक चीज़ बोली थी उसके अंदर, मैंने एक चीज़ बोली थी कि मार्केट एक घंटा, अगर मार्केट मंडे के दिन एक घंटा 19540 के ऊपर टिक जाए, यानी कि बैठ जाए, तो डेफिनेटली मार्केट मूव करता हुआ मिलेगा आपको 19620 तक। ये मैंने बोला था, मेरी वीडियो देख भी सकते हो, मैंने इसमें बोला था आपको टारगेट जो पहला अचीव होगा 19620 होगा, तो एग्जैक्टली ये हुआ, 19620 आते ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट नीचे छोड़ दिया गया वहाँ से, मतलब बड़ा छोटा कुछ ऐसा बड़ा नहीं छोटा, क्योंकि मूव ही बड़ा नहीं मिले तो इतना कुछ बड़ा फॉल भी नहीं हुआ, पर हाँ 19600 के पास से मार्केट ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो गई और मार्केट नीचे आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ लेवल टू लेवल आप अगर फोकस रखोगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, 19540 ये जो लेवल था ना, यहाँ पे आपको यहीं से अपना ट्रेड बनाना था, जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ रहा है डिसाइसिवली। देखो यहाँ पे मार्केट टूट रहा है,
पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगली कैंडल देखते हो, अगली कैंडल देखो, और यहाँ ये देखो, जब मार्केट ये फॉल कर रहा है तो नेक्स्ट कैंडल देखो, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखो, मतलब कि हर एक कैंडल लोअर लो बनाती जा रही है, पर यहाँ क्या हो रहा है, नहीं उसको ब्रीच कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट में वीकनेस आई नहीं दे रही, मतलब कि 19400 के नीचे आ तो रहा है मार्केट, 19540 के नीचे मार्केट आ तो रहा है, पर वीकनेस नहीं आ रही है। मतलब कि आप भूल के भी यहाँ से कोई पुट ले लेते तो आप फंस जाते, ठीक है। तो मतलब कि उन आपको अगर पुट ही लेके प्ले करना था तो मैंने को बोला भी था डाउन साइड आने देना मार्केट को, अगर आप पुट प्ले करना है तो मार्केट को नीचे जाने देना 19500 के नीचे, अगर मार्केट 19500 निकाल देगा नीचे तो आपको अच्छा खासा फॉल मिलेगा, तो वो हुआ ही नहीं, तो आप अपना पुट ले नहीं सकते थे यहाँ से। तो यही ध्यान में रखना होता है आपको, ठीक है। मार्केट को आपको कॉल लेके ही प्ले करना था, जो आपको छोटा प्रॉफिट, मतलब बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता, पहली बात वो ध्यान रखो, क्वांटिटी कम रखते, आज का जो प्रॉफिट है छोटा होता पर प्रॉफिट होता, अगर आप बहुत ज़्यादा ही ट्रेड लेने के चक्कर में जाओगे तो फिर लॉस खा के जाओगे जाओगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखा करो, जब मार्केट एकदम एक पर्टिकुलर जोन में फंस जाता है ना, तो वहाँ क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करो और छोटे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ठीक है। तो हर दिन एक बड़े, हर दिन आप बड़ा प्रॉफिट मत कमाने की सोचो, अगर आप सोचो कि मैं हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा तो लॉस ही खाओगे, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर पे आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, ये नहीं अपनी कंडीशन में ट्रेडिंग करनी है। मार्केट जिस हिसाब से आपको ट्रेड करने के ऑप्शन दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो वैसे ट्रेड करो, अपनी कंडीशन में मत जाओ। जब मार्केट आपको छोटी क्वांटिटी बोल रहा है छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो, जब मार्केट आपको बोल रहा है बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करो तो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करो। हाँ, वो कब बड़ी क्वांटिटी आपको मिल सकती है, वो क्या होता है, आप देखो मार्केट 2 से 3 दिन आगे एक पर्टिकुलर जोन में फंस गया, एक दिन में देखो, ठीक है, इस जोन में फंस गया अगर मार्केट, अब जिस दिन भी मार्केट एक बड़ा मूव करेगा और जिस भी जगह काटेगा तो आपको बड़ा फॉल मिलेगा, तो उसको प्ले करो बड़ी क्वांटिटी के साथ। अभी क्या मार्केट का आपको क्या है, सिनेरियो ही छोटा बना पड़ा है, तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो और कम क्वांटिटी लगा के एक ही दो ट्रेड लेके निकल जाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप मार्केट में पास होगे, अदरवाइज आप फेल होते रहोगे, और आप अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो दुर्घटना घटती रहेगी आपके साथ, ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ फिर भी। सो कल क्या ध्यान रखना है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है, निफ्टी 50 के अंदर मैं बता दो, नोट डाउन कर लो लेवल्स वाले, ठीक है। तो ये कल के लेवल है नहीं, 8 अगस्त के अपसाइड में आपको बता दूँ, पहले अपसाइड लिख लो, अपसाइड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट निकल रहा है 19620 के ऊपर, अब ये जो बन गया ना हडल, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल रहे और वेट करे, मतलब कि इसके ऊपर टाइम बिता दे 15-20 मिनट, तभी 15-20 मिनट इसके ऊपर टाइम बिता दे तभी आपको प्ले करना है ऊपर के लिए 19660। अगर 19660 भी निकाल रहा है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले जाना 19710 तक, ठीक है, अपसाइड ये होगी आपकी बात, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है, टाइम बिता रहा है, इसके ऊपर टाइम बिता रहा है, तो ऊपर के लिए प्ले कर सकते हो 19620 से ऊपर प्ले करना, 19660 पहला टारगेट और 19710 दूसरा टारगेट, ठीक है। डाउन साइड आपको क्या ध्यान रखना है, अब डाउन साइड आपको क्या ध्यान रखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में वीक कहाँ पे होगा, कि अगर आपको डाउन साइड ही प्ले करना है, वैसे तो 500 के नीचे निकलेगा तो बहुत शार्प मूव मिलेंगे बड़े बड़े, पर आपको क्या करना है, अगर मार्केट निकल रहा है इस जोन के नीचे 19570 के नीचे, ठीक है ना, हैगा ना 40 पॉइंट का 30 पॉइंट का अंतर हैगा, तो निकलने देना 19570 के नीचे, तो पहला टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा 19500, ठीक है। आप 19500 को आपको देखना है फिर से कि क्या कर रहा है, अगर 19500 के नीचे, जैसे कि 19570 के नीचे मार्केट आया और यहाँ पे कुछ टाइम बिता दिया, या गैप डाउन खुल गया तो कुछ टाइम नीचे बिता दिया, तो नीचे का प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट फॉल करता हुआ नीचे आया और नीचे की तरफ 15-20 मिनट टाइम बिता दिया, तो नीचे के लिए प्ले कर सकते हो 19500 भी डिसाइसिवली निकाल दिया और नीचे चला गया, तो आपको फिर बड़े मूव मिल जाएंगे, आराम से प्ले कर सकते हो फिर तो 19400 तक के लिए आप, ठीक है। तो बड़ा मूव मिल जाएगा, मतलब इसको 19400 ही मत लो, आप 19450 ले लो, 50 मूव, मतलब आपको आराम से मिल जाएंगे पहला और दूसरा डाउन साइड में। तो मार्केट को या तो 19620 ऊपर निकलने देना, यानी कि 20 से 25 मिनट ऊपर निकलने देना, तो ऊपर के लिए प्ले करना। अगर डाउन साइड प्ले करना है तो डाउन साइड नीचे निकलने देना, 19570 के नीचे निकलने देना, और देख लेना 15 से 20 मिनट की क्लोजिंग कैसी आ रही है, तो नीचे के लिए प्ले करना, ठीक है। कोई भी बड़ी क्वांटिटी मत लेना अभी दोनों साइड, मतलब छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर लेना, क्योंकि एक रेंज बना रहा है मार्केट। जब रेंज फाइनल हो जाएगा, जब भी रेंज उस रेंज को किसी भी तोड़ेगा तो आपको बड़े मूव मिल जाएंगे, बड़े मूव मिल जाएंगे, तो थोड़ा वेट कर लेना। एक्सपायरी भी आएगी, साथ में RBI की मीटिंग भी है, तो बैंक जो है थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, तो देखते हैं कैसी कमेंट्री आने वाली है, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, ये आपके हो जाएंगे 8 तारीख के निफ्टी 50 के लेवल। मैं एक बार बैंक निफ्टी के भी लिखवा देता हूँ, तो उसको भी नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो अब आपको पता है फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, तो बड़े मूव हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी फॉल कर जाएगा तो आपको जो है निफ्टी 50 के अंदर भी मूवमेंट दिख जाएगा अच्छा खासा। तो कल फिन निफ्टी में भी देख लेना कैसा रहने वाला है सिनेरियो। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट डाउन साइड में लिखवा देता हूँ, पहले लिख लेना
डाउनसाइड। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा, ये देखो ये बहुत स्ट्रांग बन चुका है, ये वाला जोन 800 मतलब कि 44,800 ऐसा है। अगर ये निकाल दिया मतलब कि इसके नीचे आ गया और टाइम बिता दिया 20-25 मिनट तो फॉल होगा अच्छा खासा फॉल होगा। मतलब कि कहाँ तक, मतलब बैंक में फॉल होने का मतलब ये होता है कि 150-200 पॉइंट आराम से फॉल हो जाएंगे अगर टूट गया तो सही से, तो इमीडिएट आपको फॉल होता हुआ मिलेगा कहाँ तक, 19,650 मतलब कि सॉरी 44,650 19 कह रहा हूँ मैं 44,650। ठीक है, आराम से फॉल होता हुआ आ जाएगा। अगर 44,650 भी निकाल दिया यानी कि ये जोन भी निकाल दिया तो आराम से अगला फॉल जो होगा मार्केट का वो होगा आपके लिए 44,500। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए क्वांटिटी को अपना बुक करते हुए चलना और फिर सेकंड टारगेट यहाँ तक अपना प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट 15-20 मिनट 44,800 के नीचे टाइम बिता दे तो पहला टारगेट 44,650 और दूसरा टारगेट 44,500। अगर मार्केट अच्छा खासा फॉल हो गया तो अपनी जो है क्वांटिटी को भी बुक करते हुए चलना। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में बहुत जल्दी मूव होते हैं तो वो क्या करते हैं जीरो कर देंगे कॉल आपकी। ठीक है, तो अभी तक एक्सपायरी नहीं है पर तब भी अगर बहुत ज़्यादा अप चला गया तो फिर फ़ायदा नहीं, कैरी तो करना ही मत बिल्कुल भी। तो क्या है, वेट करना, मार्केट का टाइम बीतने देना, 44,800 के नीचे आने देना, 44,800 के नीचे जा रहे हैं तो 44,650 और 44,500। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना। और सेकंड चीज़, अब अगर आपको अपसाइड प्ले करना है तो अपसाइड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अपसाइड में, 44,900 निकलने देना ऊपर एक बारी। ठीक है, मतलब ये निकलने देना, 44,900 निकल जाना, बट छोटा मूव मिलेगा, बड़ा मूव नहीं है। बड़ा मूव कहाँ आएगा बताता हूँ आपको, 45,000 तक आप बैठ सकते हो, 100 पॉइंट तक के लिए प्ले कर सकते हो पर निकल जाना बाहर। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर से हर्डल ले जा रहा है यहीं पे, इसी जोन पर हर्डल ले जा रहा है तो निकल जाना। अगर मार्केट इसके ऊपर बैठ गया तो 100 पॉइंट का मूव आपको इमीडिएट मिल जाएगा, पर अगर यहाँ नहीं जा पा रहे तो अपना प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाना। ठीक है, अगर 45,000 के ऊपर बैठ गया मार्केट मतलब कि 15-20 मिनट इसके ऊपर टाइम बिता दिया तो आपको अच्छा मूव मिलेगा, फिर बहुत अच्छा मूव मिलेगा, तो उसको आप अच्छी तरह प्ले कर सकते हो। मतलब कि 45,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल रहे हैं तो आपको 45,150 तो आपको बहुत ब्यूटीफुली मिलेगा, और अगर 45,150 निकल गया ऊपर तो एक बड़ा मूव और आएगा आपके लिए, फिर होगा 45,250। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में अच्छे अच्छे मूव होते हैं, तो डिपेंड करने वाला है कल का सिनेरियो, मुझे लगता है थोड़ा सा फंसा हुआ रहेगा तो उसके बाद ही आपको बड़े मूव देखने को मिलने वाले हैं। तो कल भी आपको क्या करना है, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना है, एक बारी एक रेंज बन जाए मार्केट की, और जब वो रेंज टूटेगा जिस भी डायरेक्शन में टूटेगा तो आपको क्वांटिटी अपनी बड़ी करके ही प्ले कर लेना फिर। ठीक है, तो अभी क्वांटिटी कम रख के ही प्ले करना है, और ये जो दोनों लेवल हैं की लेवल हैं इनको केयरफुली वॉच करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, इन लेवल के ऊपर निकले तो ही आपको प्ले करना है, नीचे निकले तो ही प्ले करना है। ठीक है, तो इस बारे फिर मैं नहीं बोलूँगा, बीयर्स को जो है थोड़ा सा अभी भी फोकस रखना है, मतलब ये अगर आप मार्केट सुबह खुल रही है और सुबह आप ये सोच के बैठ गए मैं सिर्फ बीयर्स मतलब कि नीचे का ट्रेड लूँगा तो फंस जाओगे। ठीक है, उससे बढ़िया यही है कि आप दोनों तरफ का वी रखें, और जिस भी लेवल के पास मार्केट ऊपर निकल रहा तो ऊपर के लिए प्ले कर लें, नीचे निकल तो नीचे के लिए प्ले कर लें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, आरबीआई की मीटिंग को ध्यान में रखना है, तो कैसा आउटकम निकल के आ रहा है तो उसके हिसाब से आपको और भी चीज़ें देखने को पता चल जाएंगी कि मार्केट में कैसा होने वाला है। ठीक है, सो इन सब चीज़ को नोट डाउन करके रखना ताकि आप जब मंडे को नेक्स्ट डे बैठो मार्केट के अंदर तो आपको पता हो कि किन किन लेवलों को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा होमवर्क करना सीखो मार्केट के लिए, तभी एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज आप फेल होते रहोगे मार्केट के अंदर। डेली सेम क्वांटिटी ट्रेड मत करो, कैरी फॉरवर्ड मत करो। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज़ें बोलता हूँ आपको। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हम आपके लिए ऐसे ही हर एक तरीके की वीडियो लेके आते रहते हैं जिसमें हम आपको टेक्निकली भी और स्टॉक भी कोई ब्रेकआउट होता है उसके बारे में समझा देते हैं, बता देते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन हमारे पहुँचते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।